हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एलपीयू से अगर आपने डिग्री लेनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। डिग्री लेने के लिए सबसे पहले आप एलपीयू में एंटर होंगे। एलपीयू में एंटर होने के बाद आप मेन गेट पे, सबसे पहले मेन गेट के रिसेप्शन पे जाइए। रिसेप्शन पे जाने के बाद वहाँ पे आपका एंट्री पास बनवा लीजिए। एंट्री पास बनवाने के बाद अगर आपके पास हेलमेट होना कंपलसरी है, अगर आप एलपीयू में जा रहे हैं अंदर तो हेलमेट कंपलसरी है। अगर एक बाइक पर दो पर्सन हो तो दोनों का हेलमेट कंपलसरी है। एंट्री गेट पास बनवाने के बाद आप अंदर को जाएंगे। अंदर जाने के बाद आप 32 ब्लॉक में जाएं। 32 ब्लॉक में आप जाके वहाँ पर 101 रूम नंबर है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे अपना वो फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आप सबमिट करके उनको देंगे, फिर वो आपको दोपहर को 2 से 3 बजे के बाद वो आपको बुलाएंगे। हमने उनसे क्वेश्चन किया था कि हाँ इतना लेट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था हमें कि लोड तैयार करते हैं, जैसे 10 से 15 बच्चों का, 20 बच्चों का लोड तैयार करके वो लोड तैयार कर कर आगे प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। जब वो प्रिंटिंग प्रोसेस हो जाता है तब वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कि उनको 3 बज जाते हैं, मतलब कि डिग्री आते आते हैं वहाँ से। वहाँ आने से बाद आपको डिग्री देते हैं। आप एंट्री करेंगे एलपीयू में। एलपीयू में एंट्री करने के बाद आपको करीब अराउंड 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो आगे जाके तब जाके 32 ब्लॉक आएगा। जैसे भी यहाँ जा रहे हैं हम, ये राइट साइड में इसके ऑडिटोरियम है, और इधर इसके बैक साइड में गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल भी है। स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर ई रिक्शा का यूज़ करते हैं अप डाउन करने के लिए अंदर से बाहर। ये ई रिक्शा इनको एलपीयू के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। प्राइवेट किसी भी प्रकार का व्हीकल अलाउड नहीं है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री लेने के लिए आपको 101 में जाना पड़ेगा, पर 101 रेगुलर डिग्री, जिन्होंने रेगुलर क्लासेस की है उनके लिए 101 है, जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस के थ्रू किया है उनके लिए 102 रूम नंबर में जाना पड़ता है। वहाँ पर नीलम मैडम बैठी होती है, बेसिकली चेंज हो जाता अलग बात है, मतलब अभी तो नीलम मैडम बैठी होती है वहाँ पर। ये मैं आपको ले चल रहा हूँ 32 ब्लॉक में। 32 ब्लॉक जाने का रास्ता है, इधर सामने आप देख रहे होंगे, सामने ये 31 ब्लॉक है, उसके साथ में ही एडमिशन है, एडमिशन हॉल है, उसके साथ में ही क्लासेस का रूम है। वहाँ पे स्टेयर्स लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स है, जहाँ पर अब्दुल कलाम जी बैठे हुए हैं लेफ्ट साइड चेयर पे, उनकी मूर्ति बनी हुई है। ये 32 ब्लॉक का पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप अपनी बाइक लगा कर जा सकते हैं। हेलमेट वगैरह का कोई इशू नहीं है, यहाँ पर सारी बाइकों में हेलमेट टांगा ही होता है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ चोरी चोरी का कोई केस ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि ये पार्किंग तो छोटी है, जो आगे मेन गेट के पास जो पार्किंग है वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स की बाइकें वहाँ खड़ी हुई हैं, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटका की, तेलुगु हो गया अपना, पश्चिम बंगाल हो गया, ऑल ओवर द इंडिया सारी बाइक्स वहाँ पर खड़ी थी। कारें भी ऐसे खड़ी हुई हैं, अलग अलग स्टेट की कारें खड़ी हुई हैं। मेरे को एलपीयू का माहौल बहुत 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 अच्छा लगा। यहाँ पे इनका लाइब्रेरी एरिया है, काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। ये क्लासेस का एरिया है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर हर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो अपने अपने में मस्त हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है। जो भी है, जैसे अगर तेलुगु के हैं तो तेलुगु के 3-4 फ्रेंड मिलके इकट्ठे साथ में जा रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में। और अगर बिहार के हैं, यूपी के हैं, मेरठ के हैं, दिल्ली के हैं, तो अपने अपने मस्त है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि हाँ कोई अच्छा है या कोई ख़राब है, सब बढ़िया माहौल है यहाँ पर। ये एलपी में खाने पीने का है, मतलब मार्केट सी है, यहाँ पे सारे फूड मिलते हैं,
बेसिकली यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पर फूड की शॉपें हैं, जैसे इंडियन फूड, साउथ फूड, तेलुगु फूड, इडली डोसा, सांभर,